जैसे कि नया वीडियो आ चुका है, स्पेशली जो ये वीडियो है शिवम जी के डिमांड पे बनाया है। शिवम जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जूनियर है, दोस्त है, सब है। तो शिवम, तुम्हारा कमेंट यहाँ है और वीडियो यहाँ है। यहाँ कुछ लोग ये बोलने लगा आजकल भाई कि बाबर आजम इज अ बेटर प्लेयर देन विराट कोहली। मैं ऐसा मानूंगा ना, विराट कोहली का स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम चेस वेस खेलते हैं जब फ्री टाइम मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि IIT JEE का कोर्स खुला हुआ है, मतलब इससे पहले हम क्लास ही कर रहे थे। अब फंक्शन वगैरह ये सब का शीट वीट है, ठीक है ना, कोचिंग मटेरियल है। तो अब देखिए, जब ब्रेक मिलता है तो सोचे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे ना कि पाकिस्तान के प्लेयर को हराना है, ठीक है ना। तो बहुत दिन से मौका मिल नहीं पा रहा था, हम बहुत दिन से खोज रहे थे। chess.com से हम आग्रह किए तो ये मौका दिए। और ऐसा कुछ नहीं था, रैंडमली मिल गया, ठीक है ना। तो हम सोचे थे कि इसको कैसे हराया जाए, हारना तो था ही, अब कैसे हराना ये हमको चूज़ करना था। तो हम इसके हारने का स्क्रिप्ट लिखे, अब कैसे लिखे वो दिखाते हैं। इसका नाम है फहार जोया, फहाद जोया। अब ये जोया है कि फहाद है अपने को पता नहीं है, लेकिन जैसा भी है इसकी ऐसी की तैसी करेंगे। अभी देखिए, बहुत प्यार से अपना अपन खेले अपन बेसिक ओपनिंग e4, ठीक है। उसने भी e4 जवाब दिया, फिर घोड़ा निकाले, घोड़ा निकाला, घोड़ा मार दिए, एगो पॉन अप हो गए। फिर घोड़ा मेरा खतरा में था, ठीक है, चाहता तो घोड़ा मार देता हम तो क्या कर लेते हैं ना, लेकिन गधा है जो कुछ नहीं दिखा, तो हमने घोड़ा सेव कर लिए। अब देखिए, इसका घोड़ा मर रहा है, देख सकते हैं जैसा, लेकिन ये क्या किया, पॉन अपना बाहर निकाल लिया, हमसे घोड़ा रेल दिए, वेरी गुड मूव। फिर मेरा घोड़ा रेल आ गया, घोड़ा सेक्रीफाइस कर दिए ताकि पाकिस्तानी है थोड़ा इसको लगेगा हम जीत रहे हैं, इसको ऐसे बराबर बराबर का फील देने के लिए ऐसा कर दिए। अब देखिए, अपना बिशॉप लाए, अपना ऊँट लाए, उसके मंत्री को पिन कर दिए कि रुको तारे से की तेजी, देखे ना, सीधा इसका रेल लग गया अपन ऐसे, इसलिए इसको यहाँ पे लाया हम। अब देखिए, अपना बिशॉप ला दिया ये मेरे मंत्री को पिन करने के लिए। हम सोचे अच्छा, पाकिस्तानी है, इसको मारने के लिए हमको मंत्री का ज़रूरत नहीं है, इसको मारने के लिए हमको मंत्री का ज़रूरत नहीं है, तो इसका अपना मंत्री सेक्रीफाइस कर दिया, देख सकते हैं सेक्रीफाइस हो चुका है। थोड़ा सा मारेगा, इसका ही मंत्री मार दिया, क्योंकि हमको अपना ज़रूरत नहीं है तो इसको भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बराबरी का मुकाबला ऐसे तो खैर नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या बराबरी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हमारा बिशॉप को मार दिया। फिर हम सोचे कि रुको यार, तुम्हारी ऐसी की देते करता हूँ अभी। तो अपना बिशॉप यहाँ ला के उसको बोलते कि तुम इधर दम है तो यहाँ आके दिखाओ, सॉरी दम है तो यहाँ आके दिखाओ, तो नहीं आ पाया, उसका फट गया। तो अपना इधर ला दिए बिशॉप, नहीं सॉरी आगे गए। फिर अपना बिशॉप निकाला, कैसलिंग कर लिए, अपने राजा को सेव कर लिए, अभी भी कैसलिंग कर लिए। देखा देखिए साला, कॉपी करने का तुम लोग छोड़ नहीं रहा है, कब सुधरेगा रे साला, तुम लोग कब सुधरेगा। GDP सुधारो, अपना आदत सुधारो, लक्षण सुधारो, और ग्रेनेड कम फेंको थोड़ा। अब देखिए अपना हम क्या क्या घोड़ा निकाले, घोड़ा तो जैसे निकल सकता था या तो हमारा D2 पे जा सकता था या फिर C3 पे, हम C3 पे ले गए, ठीक है। अपना हाथी फिर वहीं ला दिया, मैंने बेसिकली ये पेंडुलम की तरह इधर उधर कर रहा है, जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ हम डबल रुक कर लिए, यहाँ पे डबल रुक, डबल हाथी कर लिए। अब जो है अपना ये अपना लग के आता है, ये क्या कहते हैं बिशॉप, तो इसका बिशॉप तो अपना बिशॉप से इसके हाथी को हम पिन कर दिए कि रुको, अब यहाँ से हिल ले तो तुम गए, और पॉन तो तुम्हारा गया ही, तो यहाँ से हिला, इसका पॉन मार दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हम सोचे कि अभी तक हम जीत रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पॉन अप थे और बहुत ज़्यादा वो पीस हमारे पास, देख रहे आप इतना सारा पॉन देख सकते हैं, इसका सब पीसे मार दिए हम, तो सोचे कि थोड़ा बराबरी का मुकाबला देते हैं। इसलिए हम जान बुझ के एक दो को ब्लंडर किए, ठीक है ना, कि इसको थोड़ा मौका मिले, बोला कि नहीं नहीं आप हरा दिए, इसलिए हम जान बुझ के इसको थोड़ा मौका दिए। देख सकते हैं हमारे हाथी उधर ले गया, फिर से किए इधर, फिर हम जान बुझ के चाहते तो अभी देखते हम इसके बिशॉप को हम लपेटते, लेकिन हम क्या किए कि अपना हाथी सेव किए और हम हाथी को उधर ले गए हम, ठीक है ना। अब ये क्या किया, मेरा घोड़ा मार दिया, ठीक है ना, हमको ऐसा आभास हो गया था मेरा घोड़ा मारने वाला, हम सोचे कि फिर इसको लगना चाहिए कि ये जीतने वाला है। तो देखिए अभी इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दिखा रहा है इसका +1, मतलब ये एक पॉन अप हो गया मेरे से, है ना, पूरा खुश हो गया एकदम कि अरे भाई जीत गए। फिर हम इसका एक पॉन मार दिए, बराबरी पे ला दिए। उसके बाद फिर इसको सबूत देना था, हम इसे पूछे कि भाई तुम सबूत दो कि तुम पाकिस्तानी हो, व्हाई डोंट यू गिव प्रूफ, ठीक है ना। तो अब देखिए सबूत दिया है कैसे, यहाँ थे हम, मेरा यहाँ हाथी है, इसका चाल था, ठीक है ना। अब कुछ भी चल सकता था, कुछ भी चल सकता था, लेकिन क्योंकि हम सबूत मांग लिए थे इसलिए क्या किया, हाथी को चल दिया, देख रहे हैं सबूत दे दिया, बिल्कुल सही, पॉन बचाने के लिए, अपना पॉन बताने के लिए हाथी दे दिया, समझ रहे हैं, पॉन पॉन का एक पॉइंट होता है, हाथी का 5 पॉइंट, पॉन भी गया। हाँ, अब देखिए क्या किया, ये तरह का सबूत दे दिया, हम सबूत एक्सेप्ट कर लिए,
उसके बाद फिर देखिए मतलब विशोक मेरा मार दिया कि अरे हम बदला लेंगे बदला लेंगे बदला लेंगे, तेज बन रहा था। फिर हम बोले नहीं नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, एक और सबूत चाहिए, बस बस एक सबूत और चाहिए यार, एक सबूत थोड़ा और दे दो। तो घोड़ा लाया यहाँ पे, मेरा हाथी को थोड़ा पिन कर रहा था, हम अपना हाथी बचाए, हम उसकी तरह है नहीं हम, ठीक है। फिर मेरा हाथी मार दिया, समझ रहे हैं। अब हम चाहते तो अपना हाथी को F2 पे ले जा सकते थे, लेकिन हम देखना चाहते थे कि इसका सबूत, ये सबूत दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर हम F2 पे ले जाते तो हम नहीं मरते, लेकिन हम क्या किए कि ले जाते, थोड़ा मारने का मौका देते हैं यार, बोलेगा कि चीटिंग हो गया, चीटिंग आप सबूत मांगे थे इसलिए हम अपना रुक दे दिए, हम सोचते मेरा भी तुम रुक मार लोगे, ठीक है ना, गेम बराबरी का होना चाहिए। तो मेरा रुक मार लिया, अब सोचे अब तुम्हारा दूध बात खत्म, अब हम तुमको ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसे वापस सबूत मांगा गया है, तो क्या क्या घोड़ा से मेरा पॉन मार दिया, इसका भी को पॉन मार दिया, उसके भी पॉन आगे बढ़ा रहा, समझ रहे ना, पाकिस्तान का इंस्पिरेशन इतना बढ़ जाता है ना थोड़ा सा चीज़ पे, मतलब कुछ भी कर लेता है ये लोग यार, समझ रहे हैं। तो जैसे कि अब हम अपना पॉन से रोक दिए कि रुको भाई तो नहीं रुको अभी, अब देखिए घोड़ा वापस लाता है, ठीक है ना। तो हम सोचे कि अब क्या किया जाए, इसे सबूत कैसे मांगा जाए, है ना, क्या किया जाए कि सबूत दे हमको। उसको क्या किया हम कि अपना पॉन आगे बढ़ाएं, पहले अपना ये वाला पॉन सेव किया, ठीक है ना, ये वाला जो पॉन है ये उसको हम सेव किया, उसके बाद अपना पॉन आगे बढ़ाएं। तो फिर अपना हाथी लाया, अब हमको पता नहीं चल पा रहा कि ये हाथी यहाँ क्यों लाया, मे भी सबूत देने के लिए लाया होगा, सबूत ये दे दिया वापस से। हम क्या किए, इसका सोचा कि इसका पॉन मार देंगे, ठीक है ना। अब देखिए वापस यहीं आ गया, मतलब इसको इस पॉन से पता नहीं क्या प्यार है, साला तुम लोग बीवी 10 को रख लगता है, यहाँ पौन तो 8 को रहता है, तुमको एक एक बीवी से उतना प्यार नहीं होता जितना तुमको एक पौन से इतना प्यार है भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई। हम सोचे कि रुको भाई तुम गए, अब तुम गए। तो देखिए अब क्या किया, हम सबूत ही दे दिया था, हम जब यहाँ लाए हाथी तो क्या करना चाहिए था, अपना हाथी रखना चाहिए था इसको E8 पे, लेकिन ये नहीं रखा, ये सबूत देने के फेरवा था। बोले ठीक है भाई तो सबूत दे ही रहा तो दे। तो हम क्या किया, अपना हाथी यहाँ ला दिया, इसके पास क्या था ऑप्शन, या तो घोड़ा मरवाए नहीं तो ऊँट मरवाए। तो क्या किया, सबूत पे सबूत दिया जा रहा है भाई, अपना भाई मान ही नहीं रहा है, भाई देखे सबूत किसे दिया, घोड़ा मरवाया, समझ रहे। अगर यहाँ पे ये कुछ कर देता है ऐसा कि सेफ हो जाए तो उसे क्या चला जाता, लेकिन नहीं इस भाई को मरवाना था, ठीक है ना। उसके बाद फिर भाई देखे मेरा हाथी को वो दिया, अब देख सकते हैं मेरे हाथी को ये अटैक कर रहा है, अब क्या सोच के अटैक कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उसके हाथी को मार देंगे तो क्या कर लेगा, लेकिन ये दिया क्योंकि ये पाकिस्तान से है। तो देखिए स्लो मोशन में मारा है, देखिए स्लो मोशन देख रहे हैं, तो इस लेवल का ये लोग होता है, बहुत तेज होता है ये लोग, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए क्या होता है ना कि एक डायलॉग था शाहरुख खान के फिल्म में, हार के जितने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है ना, अभी तक ये अभी तो खैर चेक था, लेकिन ये बिशप को कुछ नहीं कर रहा है, बिशप सबके इसके लिए सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है, ये पॉन है, ये पॉन समझ रहे ना, A7 का पॉन इससे ज़्यादा प्यारा है इसके लिए पाकिस्तान भी नहीं है जितना इसके लिए A7 का पॉन प्यारा है। उसके बाद क्या किया, रुको बेटा अब तुम जा रहे हो काम से, ठीक है ना, जल्दी रिजाइन करो, चलो बेटा जल्दी रिजाइन करो, चुपचाप रिजाइन कर दिया, माफ़ी भी मांगा है हमसे बाद में तो माफ़ कर दिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से अपना ही बच्चा है, अभी तक ढीठ है यार, अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा है, अब मांगेगा। इसके बाद वो क्या किया, इसके बाद जो है ना देखिए अब देख रहे हैं यहाँ पे ये रिजाइन कब किया है, जब इसका हम A7 का पॉन मारे हैं, इसके बाद ये रिजाइन कर दिया, मतलब कुल मिला के इसको सबसे ज़्यादा प्यार था कि भाई ये था इसका प्राण घटिका, इसका प्राण का घटिका मार दिया तो ये मर गया, ठीक है ना। मतलब बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए ऐसा लगता है, उनको जानकारी चीज़ के बारे में नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि राजा को नहीं बचाना होता है, बचाना होता है A7 के पॉन को। तो हम जो भी पाकिस्तान से हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बता देना चाहेंगे, दोस्तों चेस में राजा को बचाना होता है, राजा की सेफ्टी जरूरी थी, A7 का पॉन तो ठीक है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और पाकिस्तान में अगर इंटरनेट पहुंच पा रहा है ठीक है ना, तो उनको ये कहना चाहें कि तुम लोग एक गोला बारूद फेंकोगे तो अब देखिए सरकार बदल चुकी है, पर आर्मी वाले जोश हाई में है, देखिए एयर स्ट्राइक हो चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, नेवी वाला सब फ़ोन कर रहा है बार बार कि हम कर दें क्या अरब जी कर दें क्या, तो देखिए आदेश दे दिए, जहाँ तक कराची बंदरगाह साफ, ठीक, तो तमीज़ से रहना है, और नवाज शरीफ को जो छोटका भाई भाई रहे तो नया PM बनाया रहे, तमीज़ से रहेगा, फॉरेन पॉलिसी जो भी करना है, कर्जा में डूब रहे हो चाइना से थोड़ा दूर रहो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, कि बेटा भले नालायक हो जाए बाप को फिक्र हमेशा रहता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बाय, जय हिंद जय भारत, सत्यमेव जयते, और भारत पाकिस्तान का बाप है, पहले भी था अभी भी है और रहेगा जीवन में, ठीक है। और भाई हाँ कुछ लोग ये बोलने लगा आजकल भाई कि बाबर आजम इज अ बेटर प्लेयर देन विराट कोहली, मैं साले ऐसा मानूंगा ना, विराट कोहली का बैट का मुट्ठा समझ रहे हो, विराट कोहली क्या बोलूँ यार, जितना छोड़ दिया वहाँ से तुम लोग
तुमने कहा सारा जितना टीम का प्लेयर सबका शतक मिला दिया जाए ना, उससे डबल विराट कोहली का अकेले का शतक है, समझ लो। तो भाई अभी थोड़ा लो पे चल रहा है भाई का, इसका तो ये नहीं है, शेर थोड़ा अभी शांत है, ठीक है ना। तूफान आने से पहले की शांति है, तो थोड़ा औकात में रहना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। बस शुभ रात्रि, रात दिनों को पता नहीं चलता होगा, वैसे तो लाइट कट ले रहता है, क्या बात है। चल चलो बाय। छोड़ी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, सब्सक्राइब करो।